हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राबी और आज मैं आपको लेकर आई हूं मोमोसो पे, जो कि एक कोरियन फैशन इंस्पायर्ड एक चाइनीज़ ब्रांड है। और यहां पर हम करने वाले हैं कुछ शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो भी मैंने यहां से परचेज़ की हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। वैसे तो मोमोसो की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं यूएई में और यूएई से बाहर भी, और ये वाली जो ब्रांच है ये मेगा मॉल शारजा में है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। मोमोसो पे आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और इनके प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। मेकअप सेक्शन तो मेरा फेवरेट है। मोमोसो का कॉस्मेटिक्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। पैकेजिंग इतनी कॉम्पैक्ट एंड मिनी साइज़ की होती है कि आराम से इनको हैंड बैग्स में कैरी किया जा सकता है, और मैं यहाँ से काफ़ी कुछ पहले भी परचेस कर चुकी हूँ। If your kids are choosy for their toys, तो यहाँ पर toys की unique and selective variety भी मिल जाएगी। Toys में इनके पास girls और boys दोनों के toys मौजूद हैं, और stuffed toys भी इनके बहुत ज़्यादा cute थे। Toys के साथ साथ इनके पास थे बहुत ही cute से key chains, जिनको normally हम लोग bags के साथ भी hang करते हैं। उसके अलावा हम अपनी keys भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही cute और फैंसी और बहुत कलरफुल की चेन्स हैं इनके पास। फिर इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, जैसे कि फैंसी स्टेशनरीज़ हैं इनके पास, बैग पैक्स हैं, मेकअप पाउचेस हैं, मिरर, कप्स, बॉटल्स, किचन की कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ सामान मिल जाएगा, मोबाइल एक्सेसरीज़ भी इनके पास हैं, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, सब कुछ इनके पास है। मोमोसो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरियन इंस्पायर्ड ब्रांड है, तो इनके पास एलोवेरा, स्नेल और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। पर्सनली इनके टोनर्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने ख़ुद भी यूज़ किए हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। फिर स्किन केयर में इनके जो मॉइस्चराइजर्स हैं, टोनर्स और मेकअप रिमूवर भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वो भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ। जेंट्स के लिए भी इनके पास हेयर स्टाइलिंग जेल्स हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि हेयर स्टाइलिंग जेल्स इनकी ज़रूर ट्राई करें, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। फिर मेकअप टूल्स और फेशियल ब्रशेस के साथ हैं इनके पास बहुत सारे फेस मास्क और स्क्रब, जो कि सब के सब नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाए गए हैं। फिर मोमोसो के मेकअप सेक्शन में आपको मिल जाएंगे मिनी साइज़ आई शेडो पैलेट्स, लिपस्टिक्स एंड नेल पॉलिशेस भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स की हैं। नेल पॉलिश रिमूवर्स भी इनके पास हैं। इनके मेकअप सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत बार परचेज कर चुकी हूँ, जैसे कि आईब्रो पेंसिल्स हैं या आईलाइनर्स हैं। अगर आपको पेन आईलाइनर यूज़ करने का शौक़ है, वो ईजी लगता है आपको, तो मोमोसो के आईलाइनर पेन ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो मोमोसो पे बहुत सारे फाउंडेशंस और बीबीसीसी क्रीम्स भी हैं, लेकिन मैं उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती। मुझे जो प्रोडक्ट सूट करता है, जो एक ब्रांड है मेरा, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी शॉपिंग को एंड करती हूँ, और अब चलते हैं मोमोसो शॉपिंग हॉल की तरफ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो आज मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। सो लेट्स गो होम फॉर द शॉपिंग हॉल। वेलकम बैक फॉर अ शॉपिंग हॉल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये क्यूट सी हेयर डाइंग कॉम्ब बॉटल। इसकी बॉटल में आप अपना हेयर डाई, हेयर मास्क या हन्ना डाल सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से जब आप इस बॉटल को प्रेस करते हैं तो इसके कॉम्ब वाली साइड से प्रोडक्ट जो है वो निकल आता है, और बड़ी ही आसानी से आपके बालों में बग़ैर किसी मेस को क्रिएट किए हुए लग जाता है। तो ये वाली बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो एक मैंने ये परचेज़ कर ली है। फिर सेकेंड प्रोडक्ट है ये मोमोसो के टूथब्रशेस। मेरे पास मोमोसो के ऑलरेडी काफ़ी सामान मौजूद है, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन जो ये वाले ब्रशेस हैं ये मैं काफ़ी बार परचेज़ कर चुकी हूँ, मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इन टूथब्रशेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मैं ये सॉफ्ट वाले यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैंने एक मिनी वाला टूथब्रश भी लिया है, जो नॉर्मली मैं अपने बैग में रखती हूँ। इसकी पैकेजिंग जो है मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी, बहुत स्मॉल है। आई थिंक ये किड्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली बैग में भी रखती हूँ, ताकि बाहर कभी यूज़ करना हो टूथब्रश तो ये यूज़ किया जा सकता है। सो बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। फिर थर्ड नंबर पे मैंने लिया है ये सिलिकॉन फेशियल ब्रश, जो फेस को डीप क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे आप अपना कोई भी क्लेंजिंग प्रोडक्ट या फिर फेस वॉश भी लगाकर इसको फेस पे मसाज करेंगे तो आपका फेस डीप क्लीन हो जाता है। इसकी पैकेजिंग में मुझे एक एक्स्ट्रा ब्रश भी मिला है।
फिर इनके मेकअप सेक्शन से लिक्विड आई शेडो लिया है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स थे, सब शिमरी एंड लाइट थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे क्योंकि डार्क आई शेडोज़ पसंद हैं तो मैंने डार्क कॉपर कलर का लिया है। इसमें पिंक कलर का शिमर है तो ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। जो पाउडरी होते हैं वो काफ़ी बैग में रखने से गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, तो बैग में रखने के लिए या ट्रैवल करने के लिए इस तरह के आई शेडोज़ बेस्ट रहते हैं। आई शेडोज़ के साथ मैंने एक लिया है मिनी पिंकिश हाइलाइटर जो काफ़ी नेचुरल लगता है, इसमें मिरर भी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा आईलाइनर यूज़ करती हूँ, तो वो ये है आईलाइनर जो मैं मोमोसो से हमेशा परचेज़ करती हूँ। मैंने एक बार मोमोसो से परचेज़ किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब भी ख़त्म होता है मैं ये परचेज़ कर लेती हूँ, बल्कि मैं दो ले आती हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा भी हो मेरे पास। बॉडी एंड फेस स्क्रब तो सब लोग ही यूज़ करते हैं, लेकिन लिप्स की स्क्रबिंग हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ये मिनी सा एक कॉफ़ी एंड शुगर लिप स्क्रब मुझे मिला है, मैंने इसको यूज़ भी किया है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिप्स बिल्कुल पिंक और सॉफ्ट हो गए थे इसको यूज़ करने के बाद। तो इसकी प्राइस भी सिर्फ 7 दिरहम है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रिप्स भी ली हैं मोमोसो से। मैं फेस की क्लेंजिंग करने के बाद फेस पे मास्क लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मास्क। और यहाँ पे मोमोसो पे चारकोल एंड कोकोनट वाला जो फेशियल मास्क था ये मुझे सिर्फ 15 दिरहम में मिला है। आप इसकी बॉटल भी देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ की इसकी बॉटल है, तो मैंने इसको परचेज़ किया है, इसको यूज़ भी करके देखा है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। और आप जो है और भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स पे रिव्यू देखना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको और भी प्रोडक्ट्स पे रिव्यू दे दूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।